As Hardik Bhatia just said from Investor Mind. So let's see, क्या कल मार्केट में क्रैश लाइक सिनेरियो आ सकता है या फिर नहीं, और अगर आएगा तो हम क्या अपॉर्चुनिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स जाकर देखेंगे जो हम कल आने वाली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये आपका SGX निफ्टी का चार्ट है जो कि आज ओपन है। आज मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ मुहर्रम, बट SGX मार्केट इज ओपन। एंड जैसा कि आप देख सकते हो SGX में मार्केट काफी गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद नीचे जाकर अब रिवर्सल टाइप का सिनेरियो बना रहा है, विच मींस कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, सो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ओपन करूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हो, वन मिनट, या सो इफ आई ओपन दिस इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी की क्लोजिंग कल बहुत बेकार हुई है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली कल निफ्टी गैप डाउन खुलेगा। व्हाई? बिकॉज़ SGX निफ्टी इज वीक। तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो यहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। अब लेट्स से अगर निफ्टी इससे भी नीचे गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद जो सपोर्ट है वो कहीं इस लेवल के बीच में मिलेगा। एंड आई थिंक कि अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो कहीं ना कहीं इन दो रेंज के बीच में कंसोलिडेट हो जाएगा, अगर वो इसके भी नीचे खुलेगा। एंड यस, तब आप कहोगे गैप डाउन खुलने पे वैसे सेल अपॉर्चुनिटी आती है, बट हम इस केस में सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 300 से 400 पॉइंट मूव कर चुका है, उसके बाद वो कितना ही मूव कर जाएगा इंट्राडे, राइट? सो इसलिए लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग हम इधर कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल सकता है बाइंग के साइड। सेलिंग में ज्यादा हमारे पास रहेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर हम इस चीज को डबल कंफर्म करें निफ्टी के ऑप्शन चेन के साथ, तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे ऑप्शन चेन है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो 16,600 पर एक बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो 1,13,000 की पोजीशंस बिल्डअप है। और अगर आप देखो पुट साइड पे तो पुट में कहीं पर भी आपको एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 16,500 पे आपका एक अच्छा सपोर्ट है जो कि मार्केट से बहुत पास है। एंड अगर मार्केट 16,500 के नीचे गैप डाउन खुलते हैं तो बेसिकली वहां के जो पुट राइटर्स है वो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे एंड वो एग्जिट करेंगे, तो उससे एक शॉर्ट कवरिंग आती है और नीचे की तरफ आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पे खुले। अगर वो नीचे खुलेगा तो मूव ऑलरेडी जा चुका है, उन लोगों का ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना बेसिकली एवरेज आउट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस पर फोकस करना। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वहां पर भी एक सिमिलर टाइप पैटर्न है। अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है, तो अगर आपको शॉर्ट करना ही होगा तो बैंक निफ्टी को करना। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी ज्यादा बेरिश है, और अगर बैंक निफ्टी छोटा मोटा गैप डाउन खुलेगा तो एक इमीडिएट आपको 500 पॉइंट का टारगेट तो इजीली मिल जाएगा, बट आई थिंक बैंक निफ्टी भी कम से कम 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुलना चाहिए जैसा कि अभी SGX निफ्टी है उस हिसाब से। ओके, बट हम हर तरीके का सिनेरियो देखेंगे। अगर इसके नीचे खुलेगा तो भी आई डोंट थिंक सो सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप स्कैल्पर हो तो आप पक्का अपॉर्चुनिटी लो, बट अगर आप इंट्राडे भी करते हो, दिन में सिर्फ एक पोजीशन क्रिएट करते हो या आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड लेट्स से अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए तो रहेगा वो बिल्कुल बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाएगा तो आप एक स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाकर एक बहुत अच्छा पैसा कल के दिन कमा सकते हो, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आई डोंट थिंक सो बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा। तो अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ जो हमारी वॉचलिस्ट में है। तो पहला स्टॉक जो हमारी वॉचलिस्ट में, उसका नाम है FSL। अब आई डोंट नो कि इसमें इंट्राडे अलाउड है या नहीं, बट अगर इसमें इंट्राडे अलाउड है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर, ठीक है? तो अगर आपका ब्रोकर इसमें इंट्राडे अलाउ करता है तो अगर ये इस लेवल के नीचे जाएगा विच इज अराउंड 198, तो आपको एक 193 का टारगेट एक बहुत ईजिली स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और अगर ये ऊपर जाता है, बेसिकली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो भी एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हो। और जो दूसरे स्टॉक का नाम है दैट इज ASTRL। तो अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो इसमें बेसिकली, पहले अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो ये स्टॉक नीचे आया, राइट? अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो ये स्टॉक बेसिकली नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, तो एग्जैक्टली ये उस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये स्टॉक कल अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है
तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा टारगेट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अपसाइड में आई विल से कि इस स्टॉक में आप एंट्री मत लेना। गाइस तो आज के लिए सिर्फ यही दो स्टॉक मिले, मेरे को ज्यादा स्टॉक नहीं मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरीके की वीडियोस रोज देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।